कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, मारुति ब्रीजा BS6 फेज टू में अप्रूवल आ गया है, हाथों हाथ RC पे चढ़ रही है और इसमें आपका मोटोजैन का भी अप्रूवल है और लवेटो का भी है इस गाड़ी के अंदर। वैसे मैंने ब्रीजा में बहुत मोटोजैन लगाई है 8 इंजेक्टर किट, इस गाड़ी के अंदर मैंने जो किट लगाया दिस इज़ लवेटो COBD2 8 इंजेक्टर किट। एक बार जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग, मज़ा आ जाएगा भाई फिटिंग देख के। दिस इज़ ईजी फास्ट लवेटो COBD2 8 इंजेक्टर ECM। नॉर्मली आपको मैंने बहुत COBD2 4 इंजेक्टर ECM दिखाया छोटा सा, ये 8 इंजेक्टर ECM है। दिस इज़ मेड इन इटली, द टोटल किट इज़ मेड इन इटली। इसमें प्रीमियम किट होने के कारण, BS6 होने के बावजूद इसमें आपका डबल स्टेज का रिड्यूसर आता है। ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल होगी डायरेक्टली सिलेंडर पे जाएगा। ये आपका जो पेट्रोल का 8 इंजेक्टर गाड़ी है, इसमें 8 इंजेक्टर दिया हुआ है, 8 इंजेक्टर। इसमें मैंने इंजेक्टर लगाया 8, दिस इज़ लवेटो का इंजेक्टर है, 8 लगाया। इसमें सारा सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग किया हूँ, इस गाड़ी के अंदर मैंने एक भी तार नहीं काटा, एक भी तार नहीं। एज प्रोमिस्ड आई टोल्ड द कस्टमर आई एम नॉट गोइंग टू कट एनी वायर, इसमें एक भी वायर कट नहीं किया मैंने। और ये आपका मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर है जो लवेटो COBD2 में आता है। दिस इज 8 इंजेक्टर किट, लवेटो COBD2 4 इंजेक्टर किट भी आता है, लवेटो COBD2 8 इंजेक्टर किट भी आता है। और वायरिंग देखो, जो वायरिंग मैंने करके दिया है पूरा सेफ्टी का ध्यान रख के, आपकी जो वायरिंग है ECM से जो जा रहा है सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में जा रहा है प्रॉपर। जो सी द क्वालिटी, सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में आपका आ रहा है सारा। Just see this. Coolant connection करके दिया हमने, ये देखो आप, ये आपका दो वायर ब्रेडेड पाइप जो है यहाँ से आ रहा है ये रिड्यूसर में, यहाँ दो टेम्परेचर सेंसर वहीं लगा है। और सबसे मेन चीज़ है ये कपलर टू कपलर आपके किट में आता नहीं है, ये सारा इम्पोर्टेड कपलर्स हैं, सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है। इस गाड़ी के अंदर आगे का सारा काम हो चुका है, एक बार मैं पीछे का काम दिखाऊंगा, अभी हो रहा है आ जाओ दिखाता हूं मैं। हाँ कौन सा वही लगा रहा हूं। इसके अंदर जो है 12 kg का सिलेंडर लगा रहे हैं, स्टेपनी यहाँ नीचे रहेगा, स्टैंड मोल्डेड पाइप स्टैंड है रबर ग्रिप के साथ, साइड फिलिंग वाल्व भी लगा रहा हूँ। एक बार फिटिंग हो जाने दो मैं पीछे का और साइड का भी फिटिंग दिखाऊंगा। सो दिस इज़ मारुति ब्रीजा BS6 फेज टू एंड कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इसका अप्रूवल आ गया, आज किट लगा रहा हूँ और इनकी HR26 RC पे भी चढ़ा के दूंगा। दिस इज़ ब्रीजा BS6 फेज टू, और जो सिलेंडर लगाया मैंने इसमें 12 kg का सिलेंडर लगाया। आफ्टर पुटिंग 12 kg सिलेंडर ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्पेस इज देयर टू कीप योर लगेज। इसमें जो स्टैंड का मेरा क्वालिटी है वही आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड, ये आपका स्टेपनी आपका नीचे ही है, और जो स्टैंड है मेरा ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड है, TVS नाइलन लॉक नट बोल्ट रबर ग्रिप के साथ। और इस गाड़ी के अंदर अभी डक्टिंग क्लैंपिंग करूँगा लीकेज चेक होने के बाद। इसके अंदर मैंने साइड फिलिंग वाल्व भी लगा दिया मैंने, यहाँ से बार बार बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप CNG डलवाओ। सो दिस इज़ द क्वालिटी। और जो किट भी लगाया इसके अंदर, हमारे इंडस्ट्री का सबसे टॉप का किट लगाया, अभी एक बार सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं, आइए। सो दिस इज़ मारुति ब्रीजा BS6 फेज टू, आपने आपको बहुत वीडियो मैंने दिखाया ब्रीजा फेज वन का, और ये है BS6 फेज टू, अप्रूवल आ गया है, हाथों हाथ RC पे चढ़ेगी। और ये नॉन हाइब्रिड है, ये जो फेज टू गाड़ियाँ आई हैं वो नॉन हाइब्रिड आई है और नॉन हाइब्रिड में अप्रूव्ड है और ज़बरदस्त। 8 इंजेक्टर किट लगाया मैंने, 8 इंजेक्टर गाड़ी है, 8 इंजेक्टर किट का अलग ही मज़ा है। एक बार भैया से पूछते हैं गाड़ी कैसी चल रही है। सर अच्छी चल रही है, जस्ट अपना ऑलमोस्ट पेट्रोल की तरह ही पिकअप है और कोई लैग नहीं है सच। एंड हाउ इज द फिटिंग द बॉयज, अल्टीमेट बहुत अच्छी फिटिंग है, बहुत सफाई से सारा काम किया है, बिल्कुल सफाई से किया है, जितना हाइट हो सकता है मैक्सिमम साइड पे करा है। हाँ। और सब अच्छा है, साइड फिलिंग वाल्व वो भी साइड छूट रहा था वो भी एड ऑन करा है। हाँ बिल्कुल करा है। पीछे का जो काम है बहुत बढ़िया काम, जो स्टैंड है जी, और मतलब प्रॉपर आपको जगह निकल कर आया और बड़ा सफाई से काम हुआ है।
अगर हम बूट खोलते हैं तो आपको कारपेट ही कारपेट नज़र आता है, हाँ, सिलेंडर के अलावा। जी बिल्कुल, उसमें मतलब पता चल नहीं रहा है खास, थोड़ा बहुत जो स्पेस लिया है वही है। और जो वायरिंग का जो काम किया है हमने, जो ECM से आपका वायरिंग जा रहा सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बताया कि जितना मैक्सिमम साइड में हाइड हुआ है, हाँ, वो बिल्कुल किया गया है। चलो, और मेरे पास खुद ये गाड़ी है और मैं भी एक्चुअली थोड़ा सा, मेरे को इंश्योरेंस क्लेम लेना है, धनतेरस वाले दिन मैंने गाड़ी ली थी जी, वो क्लेम लेके मैं भी लगाऊंगा जी सर। और जो अपनी गाड़ी में लगा सकता था मैं, वो चीज़ मैंने आपकी गाड़ी में लगा के मैंने सब कुछ मैंने चेक किया है। गाड़ियाँ तो मैंने यही सेम गाड़ी और भी लगाया हूँ मैं जी, उसके अंदर मैंने मोटोजेन 8 इंजेक्टर लगाया, लवेटो का भी लगाया है मैंने, लेकिन ये मैंने अपनी गाड़ी समझ के बड़ा ध्यान से कि मैं वैसे ही जैसे इसमें लगाया हूँ वैसे ही मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा। जी जी सर, वो करके दिया मैंने। बिल्कुल सर, कराया आपने, ऑनर किया है आपने बहुत अच्छे से सर। चलो, एवरीथिंग सर, थैंक यू सो मच। सो दिस इज मारुति ब्रीजा BS6 फेज 2 अल्टीमेट कार, 8 इंजेक्टर किट एंड आर इंडस्ट्री सबसे टॉप का किट लगा के दिया मैंने। मज़ा आएगा भैया को, बढ़िया एकदम चल रहा है, मतलब कोई लैग नहीं, कोई जर्क नहीं। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।